Hey, what's up, lovely people? बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसी डरावनी चीजें जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होंगी, और मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए, आपको जरूर मजा आने वाला है। तो चलिए इसी के साथ करते हैं धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और इसी टाइप के हॉन्टेड क्रीपी मिस्टीरियस वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क्स पर इसे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको एक ऐसी वीडियो क्लिप देखने को मिले जो आपको 100% कन्विंस कर दे? ये वीडियो अपलोड किया है शायनिक लेगेसी ने फेसबुक के ऊपर। यहाँ पर यह बंदा लाइव स्ट्रीम कर रहा था और बहुत से लोग इस वीडियो को देख रहे थे। तभी अचानक से इसने बाहर का नजारा दिखाने के लिए अपना कैमरा बाहर की तरफ किया और वहां पर एक अजीबोगरीब प्राणी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ। काफी लोगों को यह बहुत ज्यादा कन्विंसिंग लगा और साथ में जिस हिसाब से यह बंदा डरा था वो भी कन्विंसिंग लगता है। इस वीडियो के ऊपर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक बंदे ने कहा कि मुझे ये बहुत रियल लगा। एक बंदे ने बताया कि मैंने इस वीडियो को उठाया और फिर इसको कलर इन्वर्ट कर दिया और स्लो मोशन में करके इसको देखा कि आखिर ये क्या चीज थी। और साथ में उस बंदे ने इस वीडियो को कंगारू से कंपेयर करके दिखाया। उसने कहा कि ये कंगारू भी हो सकता है, लेकिन लोगों ने कहा कि ये वीडियो तो यूएसए का है जबकि वहां पर कंगारू इतने आम तौर पर नहीं पाए जाते हैं। फिर इस बंदे ने सीएनएन का एक आर्टिकल बताया कि अमेरिका के फ्लोरिडा में कई जगह पर कंगारू पाए भी जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस तर्क से सहमत नजर नहीं आते हैं। लोगों का कहना है कि इसका मूवमेंट बिल्कुल भी किसी कंगारू की तरह नहीं लग रहा था, बल्कि हमें तो ये कोई और ही प्राणी लग रहा है। कई लोगों ने कहा कि इतना बड़ा जानवर या तो कंगारू होता है या फिर ईमू नाम का एक पक्षी होता है। बट जब जानकारों ने इस वीडियो को देखा तो उन्होंने कहा कि हमें ये दोनों में से कुछ भी नजर नहीं आता। तो क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि यह कोई पैरानॉर्मल क्रीचर था या फिर यह दूसरे ग्रह का कोई प्राणी है? आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं। यह वीडियो डेकेड्स ऑफ डीके ऑन्टारियो ने 2017 में यूट्यूब पर अपलोड किया है। वो बताते हैं कि जिस जगह पर अभी वो खड़े हैं वो तकरीबन 1950 में बनाई गई थी। वो बताते हैं कि इस जगह की कहानी काफ़ी लंबी है, तो भी उस पर ध्यान ना देते हुए हम इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करते हैं। तभी उनकी नज़र पड़ती है कि टॉयलेट में एक फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा हुआ है। उसके बाद उनका कहना है कि हम थोड़े आगे बढ़े और यहाँ पर लगे हुए सारे इमरजेंसी अलार्म अपने आप बजने लगे, जिसकी वजह से मानो हमारे कान बस फटने ही वाले थे। So, just come, okay, follow Ryan or me, one of the two. लेकिन इसके बावजूद वो इस चीज़ को अवॉइड करते हैं और दूसरे कमरों की जांच पड़ताल करने में जुट जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्हें एहसास होता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कुछ गड़बड़ जरूर है। ये वीडियो अपलोड किया है कॉनर फिन ने और वो एक ऐसी जगह पर आए हैं जो कि एक पुराना खंडर किला है। कहा जाता है कि जो पुराने किले होते हैं वो अक्सर हॉन्टेड होते हैं। आइए देखते हैं इनके साथ क्या हुआ है। ये किला एक जंगल के बीचों बीच बना हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा वीरान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी ही चीज़ें बहुत पुरानी नजर आती हैं। बताया जाता है कि ये किला 15वीं शताब्दी का है। यहाँ के इतिहास के बारे में कई लोग अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन सब यही कहते हैं कि ये जगह हॉन्टेड है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर ग्रे लेडी का साया है जो कि एक बहुत ही खतरनाक भूत है। ये जगह इतनी ज़्यादा डरावनी मानी जाती है कि यहाँ पर कई घोस्ट हंटर आते हैं और पूरी एक रात बिताने का चैलेंज लेते हैं। तो ये जो बंदा है कॉनर फिन, ये भी उसी क्रम में वहां पहुंच गया है। जब कॉनर किले के इस कमरे में पहुंचते हैं और कैमरे को पैन करते हैं तब अचानक से उनके कैमरा में एक अजीबोगरीब परछाई रिकॉर्ड होती है जो सामने कॉर्नर में नजर आ रही है। हालांकि हम ये कह नहीं सकते कि यह किसी भूत प्रेत की परछाई थी या फिर वहां पर रखी हुई किसी चीज की। इस वीडियो के कमेंट में कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ये फेक है, कुछ ने कहा है कि हो सकता है काउंटर पर कोई चीज रखी होगी और ये उसी की परछाई है। इसके जवाब में वीडियो के अपलोडर कॉनर फिन ये बताते हैं कि जिस टाइम हम वहां पर पहुंचे थे तो उस टाइम वहां पर कोई भी चीज नहीं रखी थी और आप खुद देख भी सकते हैं। चीजें रखी तो हैं लेकिन ऐसी नहीं है कि उसकी वो परछाई बन जाए। हम देख रहे हैं सामने आसमान में एक लाइट ब्लिंक हो रही है, लेकिन क्या ये लाइट किसी टाइप का कोई मोर्स कोड बता रही है? ये वीडियो आया है यूके से जिसे रेडिट पर अपलोड किया गया था।
इसके बारे में किसी को कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिर ये लाइट इतने अजीबोगरीब पैटर्न में क्यों ब्लिंक हो रही थी। यहाँ तक कि इसे वहाँ की लोकल न्यूज़ एजेंसीज ने भी कवर किया था, लेकिन कोई भी ठोस जवाब नहीं दे पाए थे। कई लोगों ने कहा कि ये कोई ड्रोन या फिर मोबाइल टावर भी हो सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस पैटर्न में ये ब्लिंक कर रहा था वो पैटर्न आम बात नहीं है। कभी तो ये तेज़ हो जाता था, कभी स्लो, तो कभी बहुत ही ज़्यादा स्लो। आपको क्या लगता है ये क्या चीज़ हो सकती है, कमेंट में ज़रूर बताएं। ये वीडियो भी रेडिट से आया है और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब घटना घटित हुई है। ये दरअसल एक कार ऑक्शन का ऑफिस है। यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पर तैनात था। वो बताता है कि सामने वाले कमरे से मुझे ऐसी आवाज़ें आ रही थी मानो कोई बोल रहा हो हेल्प मी। तो आप आगे जो आवाज़ सुनाई देगी उसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। हमने यहाँ पर सुना कि वाकई में किसी टाइप की एक आवाज़ तो ज़रूर आ रही है। कई लोगों ने इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके ये कहा कि तुम्हें आगे जाकर चेक करना चाहिए था। जिसके जवाब में वीडियो का अपलोडर लिखता है कि मैं उस टाइम इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं और आगे जा सकूँ। मुझे लगा कि शायद मैं आगे जाऊँगा तो जो भी अंदर है वो मेरी जान भी ले सकता है। कमेंट में कई लोगों ने इस सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर भी उंगलियाँ उठाना शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि अगर तुम सिक्योरिटी गार्ड थे तो ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम्हें जाकर वहाँ चेक करना चाहिए था। लेकिन जो आवाज़ थी वो काफ़ी डरावनी थी। मैं भी इस बंदे से सहमत हूँ कि शायद ये डर गया होगा। इस बंदे ने इस बिल्डिंग का इतिहास बताया कि ये जगह 1920 से स्थित है और यहाँ पर ऐसे लोगों की कारें भी खड़ी हुई हैं जो कि अपनी जानें गंवा चुके हैं। कई लोगों ने कहा कि हो सकता है उनमें से ही किसी की आत्मा यहाँ भटक रही है। ये काफ़ी पुरानी वीडियो है जो कि 1992 की है, जिसे केलीग्राम ने अपलोड किया है और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा डरावनी है। इस वीडियो के बारे में बताया गया कि अमेरिका में एक जगह है मिजोरी, ये वीडियो वहीं पर 1992 में शूट की गई थी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं दो महिलाएं आपस में बैठकर बातें कर रही हैं। उनके ऊपर जो विंडो है वहाँ पर आप जहाँ पर सर्कल बना है ध्यान से देखिए, एक अजीबोगरीब आकृति जो कि काफ़ी डरावनी है वो झांकती हुई नज़र आती है। वो कुछ पल के लिए वहाँ होती है, इनमें से किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं होता और वो अचानक से गायब हो जाती है। इस वीडियो को भी बहुत से लोगों ने देखा और अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। कईयों ने कहा कि ये कोई इंसान हो सकता है, कई ने कहा कि ये कोई जानवर हो सकता है, जबकि ज़्यादातर लोगों ने कहा कि हमें देखने में ये कोई भूत लग रहा है। आपका क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो एक्सप्लोरिंग विद टॉम नाम के एक बंदे ने सन 2017 में अपलोड की है। ये जो जगह है दरअसल ये किसी ज़माने में एक होटल हुआ करता था जो आज वीरान है और ये यहीं पर आया हुआ है। इस जगह की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आती है। सारी ही चीज़ें टूटी फूटी पड़ी हैं, टूटी टॉयलेट, टूटा फूटा पियानो और ऐसी ही चीज़ों के बीच अचानक से अलार्म बजने लगा। और फिर एक दूसरा अलार्म भी बजता है। लेकिन इसके बाद भी ये बंदा यहाँ से जाता नहीं है बल्कि अपना एक्सप्लोरेशन जारी रखता है। जब ये आगे बढ़ता है तो इसको ऐसा लगता है मानो कहीं से किसी के रोने की आवाज आ रही है। ध्यान से सुनने पर हमें लग तो रहा है कि किसी की आवाज़ ज़रूर है, या तो कोई बातें कर रहा है या फिर हो सकता है कोई रो भी रहा हो। लेकिन उसके बावजूद ये बंदा आगे बढ़ता है और लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखेंगे कि ऐसा लगता है एक परछाई गुजर कर गई हो। और इसके बाद ये बंदा इस बिल्डिंग को छोड़कर बाहर चले जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर आज का हमारा वीडियो भी खत्म होता है, जहाँ पर हमने देखे हैं कुछ भूतिया वीडियोस, कुछ डरावनी फुटेजेस। आशा करता हूँ कि ये पूरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर भी इसे शेयर कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।